और भाइयों बहनों, तुष्टीकरण की राजनीति जब तक देश के अंदर थी तब विकास नहीं था, तब दंगे थे, तब भ्रष्टाचार था, तब अराजकता थी, तब आतंकवाद था, तब अत्याचार था, तब अन्याय था। लेकिन आज सबका साथ, सबका विकास और इसके साथ जुड़ता है सबका विश्वास। भाइयों बहनों, सबका साथ, हर गरीब को शौचालय। क्या शौचालय देने में किसी का चेहरा देखा गया? नहीं, हर गरीब को राशन मिल रहा होगा ना। आप लोगों को राशन मिल रहा है? मिल रहा है राशन? क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। और आज कोई इन गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। और भाइयों बहनों, यही संकल्प लेकर के हम लोग चले। पहले इन गरीबों की नौकरी पर अब्बा जान कहने वाले डकैती डाल देते थे, पूरा परिवार झोला लेके निकल पड़ता था और झोला लेकर के वसूली में लगता था। लेखपाल की नौकरी निकली तो एक परिवार के लोग, एक खानदान निकल पड़ता था वसूली करने के लिए, 7 लाख 8 लाख 10 लाख रुपया दो। और फिर किसी भी योग्य व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं होता था। अध्यापक की नौकरी लगती थी, पैसा भी जाता था, नौकरी भी नहीं लगती थी। पुलिस की भर्ती निकलती थी, पैसा भी चला जाता था और नौकरी भी नहीं निकलती थी। भाइयों बहनों, पिछले 4.5 वर्ष के दौरान 4.5 लाख नौजवानों को नौकरी दी है। 4.5 लाख नौजवानों को, ये महिला आरक्षी जितनी खड़ी है सब इसी दौरान भर्ती हुई है। किसी ने सिफारिश की है और किसी ने न पैसा दिया है। हाँ, अब्बा जान कहने वाले बहुत सारे मजनुओं को खूब सर्विस जरूर ठिका देती है। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, जब बिना भेदभाव के सरकार कार्य करती है तो भाइयों बहनों, विकास सबका होता है, विश्वास सबका जुड़ता है। मैं एक दिन बात कर रहा था, 5,51,000 आवास हमने एक साथ दिए। गृह प्रवेश की कार्रवाई थी, कुशीनगर की एक मुसार महिला से मैं बात कर रहा था। मैंने कहा आपको मकान मिल गया? उसने कहा बाबा मिल गया। मैंने कहा मुझे कैसे पहचानती है? कहा बाबा आप 16 में हमारे यहां आए थे। मैंने कहा कैसे? कहा हमारे गांव, हमारे मोहल्ले में, हमारी बस्ती में भूख से मौत हुई थी। भाइयों बहनों, पिछले 4-4.5 वर्ष के अंदर कुशीनगर, क्या पूरे प्रदेश में भूख से एक भी मौत नहीं हुई है। पहले भूख से मौतें होती थी क्योंकि गरीब का अन्न ये लोग खा जाते थे, सपा बसपा के लोग खा जाते थे, ये हजम कर जाते थे। लेकिन आज गरीब को अन्न मिल रहा है, फ्री में राशन मिल रहा है, निराश्रित महिलाओं को पेंशन मिल रही है, दिव्यांगजनों को पेंशन मिल रही है, हर गरीब को सुविधाएं मिल रही हैं। पहले बिजली नहीं मिलती थी, आज तो अगर आंधी तूफान ज्यादा बारिश हुई तो उस दिन भले ही छोड़ दिया जाए, बाकी 16 से लेकर के 24 घंटे बिजली हर जनपद के हर गांव में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो रही है। भाइयों बहनों, क्योंकि विकास पर सबका समान अधिकार है। जितना विकास पर मेरा अधिकार है, जितना अधिकार विजय दुबे का है, जितना अधिकार अतुल सिंह का है और जितना अधिकार जटाशंकर त्रिपाठी का है, उतना ही अधिकार आपका भी उस विकास पर है। और यही कहने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी आपके पास है। मोदी जी ने यही विजन दिया। कुशीनगर किसान बाहुल्य क्षेत्र है, किसानी यहां किसान का किसान मेहनती है, परिश्रमी है,
गन्ने की खेती के माध्यम से उसने देश और दुनिया के सामने एक नई मिसाल प्रस्तुत की। केले की खेती, सब्जी की खेती कैसे होनी है, यहां का किसान नई तकनीक के साथ जोड़ करके समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। और भाइयों बहनों, ये किसान, क्या इन किसानों को पहले किसान सम्मान निधि का लाभ मिलता था क्या? 2018 के पहले मिलता था? प्रधानमंत्री मोदी जी ने 18 से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी किसानों को देना प्रारंभ किया है। आज हर किसान के खाते में साल में 6000 रुपए आ रहे हैं। किसान अपनी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। किसान आज कहीं हाथ फैलाने के लिए मजबूर नहीं है। 2017 के पहले भाइयों बहनों सरकारें थी, गेहूं क्रय नहीं होता था, धान क्रय नहीं होता था। आज किसानों का धान और गेहूं क्रय हो रहा है और पैसा उसके खाते में जाता है। गरीबों का मकान बिना भेदभाव के बन रहा है। बिजली के लिए आपको सांसद विधायक का घेराव करने की नौबत नहीं आती है। और कानून व्यवस्था मजबूत, इतनी मजबूत, पहले जंगल पार्टी पे नियंत्रण नहीं, क्योंकि जंगल पार्टी के लोग ही तो इस सपा बसपा में भर करके वे लोग यही तो डकैती डालने का काम करते थे। लेकिन आज जंगल पार्टी गायब, अपराधी गायब, दंगाई गायब। और नहीं तो हर बार हम देखते थे पडरोना में जब भी जन्माष्टमी का डोल निकलता था दंगा खड़ा हो जाता था। आज तो दंगा नहीं हो रहा ना? आज दंगा हो रहा है क्या? क्या कोई दंगा कर पाएगा? दंगाइयों को मालूम है ना कि क्या होगा इसके बाद? पूरा घर बार बिक जाएगा फिर। और इसीलिए आज दंगा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसे मालूम है दंगा करके संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा। किसी व्यापारी की संपत्ति को, किसी गरीब की, किसी किसान की, किसी नागरिक की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो फिर 7 पीढ़ी उसको भरते भरते लग जाएगी, लेकिन फिर कभी भरपाई नहीं कर पाएगा। इसलिए दंगा भी अब समाप्त हो गया है। हर व्यक्ति अब काम धंधा ढूंढ रहा है। और कोरोना के दौरान आपने देखा होगा दिल्ली में उन्हें संभले नहीं संभलता है, महाराष्ट्र में कोरोना संभले नहीं संभल रहा है, केरल में आप देख रहे होंगे संभले नहीं संभल पा रहा। आप समाचार सुनते होंगे कोरोना के कितने मरीज, उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ और 24 करोड़ की आबादी में उत्तर प्रदेश में कोरोना आज कुल उत्तर प्रदेश के अंदर 14 मामले आए हैं। कुल 14 मामले, कोरोना गायब, एकदम कंट्रोल में है। कोरोना के भूत को हमने बोतल में बंद करके रख दिया है। लेकिन केरल में संभले नहीं संभल पा रहा है। केरल की आबादी उत्तर प्रदेश की आबादी की 8वां हिस्सा है, दिल्ली की आबादी उत्तर प्रदेश की आबादी का 12वां हिस्सा है, महाराष्ट्र की आबादी उत्तर प्रदेश की आधी है। लेकिन कोरोना नहीं संभल रहा है, क्योंकि जनता के प्रति नियत साफ नहीं है। अगर जनता को जनार्दन मान करके इन लोगों ने सेवा की होती तो भाइयों बहनों कभी नहीं इस प्रकार की अनियंत्रित स्थिति नहीं होती। मोदी जी की बात को पहले दिन मान करके उसको लागू किए होते, राजनीति नहीं किए होते, ऐसा नहीं होता। और मेरा आप सबसे अनुरोध है, कोरोना को नियंत्रण करने के लिए आप सबने सरकार का, मोदी जी का और मेरा पूरा समर्थन किया, सहयोग किया। लेकिन अभी सावधानी बरतनी है, हमें कोरोना का टीका लगाना है। हर व्यक्ति कोरोना का टीका लगाएगा, सबको टीका, फ्री में टीका। और कुशीनगर तो इतना ज्यादा अब तक मुझे बताया गया लगभग 8 लाख लोगों ने कुशीनगर के अंदर टीका लगा दिया है, एकदम 8 लाख लोगों ने। और सबको मोदी जी फ्री में टीका दे रहे हैं। विदेशों में इस टीके का दाम 3000 से लेकर 5000 रुपया है,
और यहां मोदी जी फ्री में टीका दे रहे हैं, फ्री में टीका, सबको टीका, निशुल्क टीका। और इसीलिए हमने कहा कि आभार मोदी जी कि आप हमारी जनता को फ्री में टीका दे रहे हैं। यानी यह टीका सुरक्षा कवच है हम सबको कोरोना महामारी से बचाने के लिए। नहीं तो आप अमेरिका का हाल देख रहे होंगे, अमेरिका की सबसे, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, 6.5 लाख से ज्यादा लोग मर गए अमेरिका में। लेकिन भाइयों बहनों, देश के अंदर मोदी जी ने कोरोना से भी बचाया और देश को भूख से भी बचाया। किसी को भूखों नहीं रहने दिया, सबको फ्री में राशन, सबको फ्री में राशन। और भाइयों बहनों, मैं आप सबसे ही कहने के लिए आया हूं, आपसे मैं यही अपील करने के लिए आया हूं। यहां पर बात उठी थी गन्ना किसानों की, और भाइयों बहनों, मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं, एक एक गन्ना किसान का पाई पाई चुकता करवाएंगे, कोई आपका पैसा लेके नहीं जा सकता है। और नहीं तो कार्रवाई बहुत सख्त करेंगे।